बंद वो किवाड़ था, बिखरती जिंदगी, किचुड़ आवाज से थर थराती जिंदगी, खाली हाथ सूरज था, शाम अकेली तन्हाई से, बंद किवाड़ की फाट में थम गई थी जिंदगी। सुटकिया बात है मंगत। मंगत महेश भैया, दो दिन से घर में अनाज का एक दाना नहीं है। लॉकडाउन की वजह से ठेला भी बंद है। शारदा, क्या एक डिब्बे में थोड़ा खाना दे दो, थोड़ा आटा, थोड़ी सब्जियां। मैं मंगत को देख कर आता हूँ। मैं निकल पाऊंगा, मेरे पास मेरी सिक्योरिटी की नौकरी का कार्ड है। आ रहा हूँ खाना लेके। लेकिन महेश भैया, ये तो आज का होगा और सिर्फ मेरा होगा। यहाँ हनीफ, रमीला, बिरजू, राजकुमारी सबके यही हाल है। मैं कुछ करता हूँ मंगत। हाँ महेश भैया। मैंने नहीं, आधी से ज्यादा बस्ती के घरों में चूल्हा नहीं जला। कोई रास्ता नहीं दिख रहा, जैसे हर दरवाजे बंद है। पर दरवाजे हमें ही खोलने होंगे। लेकिन कैसे? महेश जी से बोलो कि हम सब साथ मिलके सबके लिए खाना बनाएंगे। लेकिन राशन कहाँ से आएगा? शुरू तो करते हैं, हमारे पास जो है उसमें से शुरू करते हैं। हमारी कमेटी की ओर से आज से हम कम्युनिटी किचन शुरू कर रहे हैं। चूल्हा बन गया है, पतीले चढ़ गए हैं, पर राशन कहाँ है हमारे पास? अब हमारे पास घर में जो कुछ भी बचा कुचा है हम उससे खाना पकाएंगे और सब में बांटेंगे। मेरे घर में तो कुछ नहीं है। मेरा घर भी खाली है। मैंने भी दो दिन से कुछ नहीं खाया। मेरे घर पर थोड़े चावल पड़े हैं। क्या आप सबको मेरे घर के चावल चलेंगे? तुक्कू भैया, आज तो आप ही हमारे अन्नदाता हो। Thank you.
चाहिए? ना, इसे मत देना। आ जाओ। महेश जी, मुझे किचन के काम का अनुभव है। अगर आपको तकलीफ ना हो तो मैं सबके साथ मिलकर किचन का सारा काम संभाल सकती हूँ। ठीक है, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। हाँ रागा, चलिए आइए आगे। वहाँ पे कुछ घर दिख रहे हैं। अच्छा सुनो सुनो, ये सब सामान हम फूफू के घर पे अंदर रखवा के जाएंगे। हाँ 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 सही, हाँ ठीक है, रख दो ये आप। चलो हाँ हाँ जी, आराम से आराम से वहाँ रख दीजिए। हाँ वो ले लेंगे। ये कुछ रहना जाए, अरे संभाल के, कल वापस चाहिए होगा ना। लाओ मत कर दो, जल जाएगा। ये ले जाओ, जरा संभाल के, पतीला गर्म है। ये कौन आया? ये कौन है? पहचाना नहीं? मैं रूपलाल। रूपलाल? काम बंद होने की वजह से वापिस आया हूँ, जैसे तैसे करके यहाँ पर पहुँचे हैं। ठीक है रूपलाल, अपनी खोली में जाके आराम करो। थोड़ा खाना बचा है वो भिजवा देते हैं। लेकिन मेरा घर तो पिछली बारिश में ही टूट गया था, आप में से किसी के घर पे रुक सकते हैं? कोरोना के टाइम पे कोई किसी को अपने साथ नहीं रुकने देगा। चिंता मत करिए चाचा, बस्ती के पास में ही रैन बसेरा है, हमारा एसएचजी वहाँ काम करता है, आप भी वहाँ ठहर जाइए। ठीक है, तुम जाओ, हम खाना भिजवाते हैं। अब रूपलाल चाचा, आप कितने लोग आए हैं? हम दो लोग हैं। और आप में से किसी को खांसी सर्दी बुखार या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अब जाइए, आप आराम कीजिए, आइए। रिंकी, बैनी चाचा और रसूल भाई की फैमिली भी आज रात को आ सकती है। तो मतलब कल ज्यादा लोगों का खाना बनेगा? लेकिन हमारे पास राशन तो है नहीं। वही तुको, मेरे घर के चावल तो आज खत्म हो गए। आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो तो मैं कुछ सुझाव दूं? तुम तो चुप ही रहो। हाँ बोलो, क्या सुझाव है? महेश भैया, आप हमारे कॉर्पोरेटर को फोन कीजिए, शायद वहां से हमें कोई मदद मिल सके। हाँ ये ठीक है। हेलो जी साहब, हमने हमारी बस्ती में अपने आप ही कम्युनिटी किचन तैयार कर दिया है, आज का खाना भी बांट दिया है, पर कल के लिए हमारे पास राशन नहीं है। ठीक है, मेरे पास कुछ एनजीओ के लिस्ट है जो मैं आपको मैसेज कर देता हूँ, आप उनसे बात करके राशन मंगवा लीजिए। लेकिन आपको जाना पड़ेगा क्योंकि वो लोग रेड जोन एरिया में नहीं आ पाएंगे। जी साहब, मेरे पास पास है, हम चले जाएंगे। ओके, शुक्रिया साहब। हाँ ठीक जी। बिरजू, कल हमें एक एनजीओ पे राशन लेने जाना पड़ेगा, चलो सब सामान अंदर रखवा दो। पापा, इसमें और कुछ बाकी है? आपने जो कहा था।